हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट में अंदर हमारे पास पांच एक्टिविटीज हैं। उन पांच एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमारे पास उनके कुछ प्रेडिसेसर्स दिए गए हैं। ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, ये पहली एक्टिविटी है। बी के लिए प्रेडिसेसर है ए, सी का प्रेडिसेसर है बी, डी का प्रेडिसेसर है बी, एंड अगेन ई का जो प्रेडिसेसर है दैट इज डी। उनकी ड्यूरेशंस आपको दी गई हैं 2 days, 3 days, सब डेज में हैं, और यहाँ आपको दिया गया है कॉस्ट पर डे। तो अगर आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें और हम ये देखें कि हमारे प्रोजेक्ट का बजट कितना आता है, तो इसे बोलते हैं हम बजटेड टोटल कॉस्ट। बजटेड टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बजटेड टोटल कॉस्ट आता है कि कॉस्ट पर डे इनटू ड्यूरेशन। आपके पास इंडिविजुअल एक्टिविटीज की आ जाएगी, उन सब का टोटल यहाँ आपका फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं? इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई ड्राइव बाय पर डबल दिस, क्लिक कर देना, एंटर। ड्राइव करो सर आगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, हमें सेम तो नहीं करना है। ड्यूरेशंस अलग अलग हैं, ठीक है, वो ट्राई कर लेना। ठीक है, एक्सेल में मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज का बजट आया। टोटल प्रोजेक्ट का बजट आएगा अगर आप सम करते हैं इन सब का, ये आपका टोटल प्रोजेक्ट का बजट आ गया, दैट इज 3700। ठीक है, तो हमारा ये बजट आपका प्रोजेक्ट का आना चाहिए इनिशियली प्लानिंग में। अब उनके बीच की जो रिलेशनशिप्स दी गई हैं, अगर उसको हम ड्राफ्ट करें मैन्युअली, जैसे ए हमारा 2 दिन का है, इनिशियली वहीं से स्टार्ट होगा ए से, ए पर बी डिपेंड कर रहा है, तो ए जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बी स्टार्ट होगा जो कि 3 दिन का है, वो आपका यहाँ आ गया है बी। बी के बाद बी का बाद आपका सी स्टार्ट होना है और बी के बाद ही डी स्टार्ट होना है, यानी कि सी और डी सेम डे बी के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। सी का ड्यूरेशन 3 दिन का है, डी का ड्यूरेशन 2 दिन का है। डी के बाद ई स्टार्ट हो रहा है जिसका ड्यूरेशन 3 दिन का है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास आ गए 10। तो 10 नंबर ऑफ डेज में आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। ओके, इस प्रोजेक्ट का ये जो प्लान है और ये बजट है, इसके अकॉर्डिंग आप साइट पे सपोज एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन रिपोर्ट लेने के लिए, स्टेटस की रिपोर्ट लेने के लिए प्रोजेक्ट की, आप साइट पर जाते हैं 7 दिन का काम खत्म होने के बाद, यानी कि 7th day का भी एंड हो गया है। आप जब साइट पे जा रहे हैं और आपको साइट से जो इनपुट मिलता है वो ये मिलता है कि ए एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई है, जिसमें एक्चुअल जो आपने साइट पे स्पेंड किया है दैट इज 600। बी एक्टिविटी आपकी 100% कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपका टोटल जो इनकर्ड कॉस्ट है दैट इज 1400। सी एक्टिविटी अप्रोक्स 33.33% आपने कंप्लीट की है, जिसका ड्यूरेशन कॉस्ट है 500। डी आपने 50% कंप्लीट की है, जिसका कॉस्ट आपने जो स्पेंड किया है दैट इज 200, और ई शुरू नहीं हुआ है तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है। इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल कॉस्ट, जो साइट पे आपने एक्सपेंडिचर किया। तो ये साइट का डाटा प्रोजेक्ट में अपडेट करने के बाद हम इसको ट्रैक करेंगे। इसको ट्रैक करने के लिए पहले ये शेड्यूल और ये स्टेटस हम सॉफ्टवेयर में अपडेट करते हैं, और इस साइट डाटा यानी कि बेस लाइन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे असाइन करते हैं। तो हम प्राइमावेरा को ऑन करते हैं। प्राइमावेरा ओपन करने के बाद
अब आपको ये पता है कि आपका यहाँ जो आपने कंसिडरेशन लिया था उसमें कोई वीक ऑफ आपने कंसिडर नहीं किया। अगर वीक ऑफ नहीं लिया तो यानी कि आपको एक कैलेंडर बनाना होगा जो ऑल 7 days वर्किंग टाइम होगा। टाइम आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप प्रोजेक्ट से पहले कैलेंडर बना लें ग्लोबल कैलेंडर, तो वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स में भी काम आ जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाएंगे तो वो केवल आपका प्रोजेक्ट में काम आएगा, एक्टिविटीज़ को वही असाइंड हो जाएगा, बट रिसोर्स को वो कैलेंडर असाइन नहीं कर पाएंगे आप। तो मैंने क्या किया, एंटरप्राइज टैब पर जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक कैलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड पे क्लिक करिए, किसी भी कैलेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, इस कैलेंडर को नाम दे दीजिए। मैंने नाम दिया है सपोज सैम्पल, एक सैम्पल कैलेंडर बनाया, इसको ही डिफ़ॉल्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट करने से ये ऑटोमेटिकली असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सैम्पल कैलेंडर को आप मॉडिफाई करिए, यहाँ आ गए। अब आप यहाँ आने के बाद सबसे आसान तरीका टोटल वर्क आवर्स, डिटेल्ड वर्क आवर्स में आ जाइए। डिटेल में आने के बाद आप वर्क वीक पे चले जाइए। वर्क वीक में मंडे टू संडे, क्योंकि ऑल 7 days आपके वर्किंग है, सबको सेलेक्ट करिए और टोटल को नॉन वर्क कर दीजिए। अब अगर हमें प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, आपने टाइम को सिलेक्ट किया और वर्किंग टाइम डिफाइन कर दिया मंडे टू संडे सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक वर्क, बीच में 13 जहाँ लिखा है 1 से 2 आपने इसको नॉन वर्क किया, ओके किया। अब आप टोटल वर्क आवर्स अगर देखें तो आप एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब अक्टूबर इसको मैंने स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर इसको भी स्टैंडर्ड कर दिया, क्योंकि मुझे कोई भी वीक ऑफ, कोई भी हाफ डे कंसिडर नहीं करना है, रेगुलर चाहिए मुझे टाइम। वर्क वीक डिफाइन हो गया, उसके बाद टाइम पीरियड पर आइए, 10 hours अ डे, एक वीक में 7 days यानी कि 70, कंप्लीट मंथ में 300 और कंप्लीट ईयर में 365 डेज होते हैं, 3650। आपने ओके कर दिया, ओके करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया, आपका कैलेंडर रेडी हो गया है और आपने उसे डिफ़ॉल्ट भी बना दिया है। इसे क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल एन प्रेस करिए न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कोई भी EPS सेलेक्ट कर लीजिए जिसके अंडर भी आप बनाना चाहते हैं। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐड किया तो वो इसके अंडर में ऐड होगा। नेक्स्ट करिए, मैंने प्रोजेक्ट को ID दी है SAM और प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया मैंने सैम्पल। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ID कहीं यूज़ हो रही है सैम यहाँ नीचे, तो इसलिए प्रोजेक्ट ID मुझे कोई यूनिक रखनी पड़ेगी, मैंने P और लगा दिया सपोज। प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने 1 November सुबह 8 बजे, मैंने कैलेंडर में टाइम सुबह 8 बजे से दिया था, तो वही टाइम मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। डेट मैंने रैंडम दे दी 1 November से। मस्ट फिनिश को सिलेक्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर दीजिए। रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कोई डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट, कैलेंडर में तो और मतलब 8 hours सेलेक्ट कर दिया था, यहाँ पर भी सेलेक्ट करना जरूरी है या कैलेंडर डिपार्ट ले लिया? 8 hours हमने कहा डिफाइन किया है, हमने तो टाइम बताया है कि किस टाइम से शुरू होगा काम। वो कैलेंडर अगर इस प्रोजेक्ट को असाइन करेंगे या ऑटोमेटिकली हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली 10 hours पर डे आ जाएगा इसी में। तो यहाँ हम 8 भी करें तो बट वो कैलेंडर के हिसाब से लेंगे। बिल्कुल, आपने स्टैंडर्ड रेट दिया। नेक्स्ट फिनिश, आपने यहाँ देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया और इस प्रोजेक्ट को नीचे प्रोजेक्ट डिटेल विंडो में आप डिफॉल्ट पे आए तो यहाँ देखो उसने सैंपल कैलेंडर ऑटोमेटिकली पिक कर लिया क्योंकि आपने डिफॉल्ट बना दिया था। अगर वहाँ डिफॉल्ट पे टिक ना किया होता तो आपको यहाँ क्लिक करके बाद में प्रोजेक्ट कैलेंडर को चेंज करना पड़ता, ऐसे आप चेंज कर सकते थे। कैलेंडर चेंज अगर किया है तो आपको एक बार रिफ्रेश करना ज़रूरी है, आप F5 प्रेस कर सकते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद आप राइट क्लिक करिए उस प्रोजेक्ट पर, ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप ओपन कर दीजिए। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ राइट हैंड साइड पे जो प्लस है इसी से मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने रैंडम नाम दिए जैसे मेरी उस एक्सेल फाइल में है, ABCD and E, ये 5 एक्टिविटीज़ मेरे पास हैं। इन 5ों एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, या सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करें,
अगर हम वापस आएँ 2 3 3 2 3, ये ड्यूरेशंस हैं हमारे पास, तो हम यहाँ आते हैं 2 3 3 2 3, ड्यूरेशंस डिफाइन हो गई हैं। अब हमें आपस में उनके बीच की रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए ए का कोई प्रेडिसेसर है नहीं, तो ए को स्किप कर दीजिए। बी का प्रेडिसेसर है ए, असाइन कर दीजिए। सी का प्रेडिसेसर है बी, असाइन कर दीजिए। डी का प्रेडिसेसर भी बी है, असाइन कर दीजिए। ई का प्रेडिसेसर डी है, असाइन कर दीजिए। असाइन हो गया, विंडो क्लोज कर दीजिए। अभी कोई लैग लीड की कंडीशन हमारे पास नहीं है इस वक्त, तो हमने कंडीशन डिफाइन की। कंडीशन डिफाइन करते ही आप अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर सकते हैं F9 या यहाँ इस आइकन से। प्रोजेक्ट डेट और टाइम सही आ रहा है, स्टार्ट डेट और टाइम, आप शेड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। बहुत छोटा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा जो टाइम स्केल है वो क्वार्टरली और मंथली के हिसाब से है। प्रोजेक्ट मेरा केवल 10 दिन का है, तो बेटर है आप अपने राइट क्लिक करें, टाइम स्केल का ऑप्शन आता है, टाइम स्केल पर क्लिक करें। ये क्वार्टर पर मंथ के हिसाब से है, मैंने इसको चेंज करके वीक पर डे कर दिया। अप्लाई करिए, ओके करिए। अब आप देखें आपका ये कंप्लीट शेड्यूल विद रिलेशनशिप लाइंस आपको नज़र आ गया है। प्रोजेक्ट जब शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाए, अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट के बजट की। प्रोजेक्ट का बजट कहाँ से आएगा? रिसोर्स ऐड करने से। अब हमें यहाँ हम वापस आते हैं, तो ये कुछ हमारा बजट दिया गया है टोटल, बट पर डे के अकॉर्डिंग हमारा बजट ये है। तो यानी कि हमें 5 रिसोर्स बना लें स्पेसिफिकली इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या बी और सी को हम सेम रिसोर्स दे सकते हैं क्योंकि सेम कॉस्ट है इनका, हम एक ही रिसोर्स से काम कर सकते हैं। बी और सी पैरेलल नहीं चल रहे, इसलिए हम एक ही रिसोर्स यूज कर सकते हैं। अगर पैरेलल जैसे सी और डी का प्राइस मान लीजिए सेम होता, तो हम एक रिसोर्स यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होती। तो आप वापस आइए एंटरप्राइज टैब, एंटरप्राइज से रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आने के बाद मैंने यहाँ ऐड किया लेफ्ट टॉप, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप बना रहा हूँ, और इस रिसोर्स को डिस्प्ले यहाँ इसको मैंने कैटेगराइज किया पहले सेम, यहाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया और कुछ इसमें डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर में ऐड कर रहा हूँ सेम के अंडर में, ठीक है, उसको मैंने बोला S1, एक और ऐड किया उसके अंडर में नहीं चाहिए, एक और ऐड किया, 4 मैंने रिसोर्स बना दिए, इसको मैंने बोला S2 S3 S4, ये रिसोर्स आईडी। यहाँ जाके मैंने नाम दे दिया Resource 1 Resource 2 Resource 3 Resource 4। अब पहले रिसोर्स को सेलेक्ट करिए, नीचे आइए, क्योंकि अभी मुझे बजट से मतलब है, केवल ट्रैकिंग देखना है, रिसोर्स टाइप क्या रखना है वो आपकी चॉइस है अभी। लेकिन रिसोर्स का कैलेंडर इम्पोर्टेंट है, आप रिसोर्स को सेलेक्ट करके डिटेल पे आइए तो उसका कैलेंडर देखिए क्या असाइंड है, ईवी, आपको कौन सा यूज करना है, सैंपल। तो आप अगर आपने पहले ये जो सैंपल बनाया, अगर आपने इसका कैलेंडर पहले चेक कर लिया होता और उसका चेंज कर दिया होता, उसके बाद इसमें जितने भी ऐड करते ऑटोमेटिकली उनको वही कैलेंडर आ जाता फिर। तो बेटर है जो पहले कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो आप, उसका कैलेंडर सबसे पहले चेंज कर दो, उसके अंडर में जितने भी ऐड करोगे सब पे कैलेंडर ऑटोमेटिकली सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैंपल का चेंज कर दिया है, ग्लोबल कैलेंडर में बनाया था मैंने, सैंपल आ गया। अब मैं इसके अंदर एक और रिसोर्स ऐड करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज S5। अब देखो उसको कैलेंडर कौन सा आया, ऑटोमेटिकली आया। तो आप उसे नीचे मूव कर दीजिए, बाकी सबको कैलेंडर कौन सा है, ईवी। अब अगर कैलेंडर बाय चांस चेंज करना पड़े सबका एक, तो आपको टाइम लगेगा बहुत, उसके लिए एक तरीका देखिए, यहाँ ऊपर कॉलम्स हैं, मैंने किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक किया
राइट क्लिक करके यहाँ कॉलम्स कॉलम्स को कस्टमाइज किया। कस्टमाइज करके अवेलेबल में ग्रुप लिस्ट यहाँ से ढूंढा कैलेंडर और उसे सबसे लास्ट में ऐड कर दिया। अप्लाई किया, ओके किया, यहाँ मुझे कैलेंडर नज़र आ गया। अब ये जो कैलेंडर है यहाँ मुझे ये कैलेंडर चाहिए, तो मैंने इसके साथ शिफ्ट दबाया, यहाँ तक सेलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक किया, फिल डाउन, सबका सेम हो गया कैलेंडर। तो एक बारी में सारे रिसोर्सेज जितने आपने सेलेक्ट किए थे सबका कैलेंडर वही हो गया जो टॉप वाले का था। टॉप पे वही कैलेंडर होना चाहिए जो नीचे देना है आपको। उसके बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए, कैलेंडर सेम हो गए। यहाँ से हम सारी एक्टिविटी वो रिसोर्सेज को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर चेंज करें तो सबके लिए अगर आप सबको सेलेक्ट कर रहे हो आप ट्राई कर लो ना, अगर ऑप्शन इनेबल्ड है तो काम करेगा, डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आपने कैलेंडर बना दिया, अब रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। रेट वाइज यूनिट्स एंड प्राइस पर आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। पहले के लिए 300, फिर 400, फिर 400 पर डे, फिर 200 पर डे, फिर 100, सारे पर डे के हिसाब से हैं। तो इसको मैंने दिया 300 ऑब्लिक डे, दूसरे को सिलेक्ट किया, ये है मेरा 400 पर डे, तीसरे को मैंने सेलेक्ट किया, ये भी अगेन 400 पर डे है, चौथे को आपने सेलेक्ट किया, ये 200 पर डे है, पांचवे को आपने सेलेक्ट किया, ये आपका 100 पर डे है। अब अगर आपने रिसोर्सेज के रेट पहले डिफाइन कर दिए, आपको बाद में याद आया यार इनका कैलेंडर में चेक कर लेता हूँ, आप जाएंगे और आपको लगा कि यार नहीं इसका कैलेंडर गलत है, आप बाद में जा करके उसका कैलेंडर चेंज कर देंगे। कैलेंडर तो आपने चेंज कर दिया उसका, लेकिन अगर आप उसके रेट देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गए जितना भी कैलेंडर में डिफरेंस था। इसलिए रेट सबसे बाद में डिफाइन करना है आपको, पहले कैलेंडर डिफाइन करिए उसके बाद रेट दीजिए, अदरवाइज कैलेंडर में जितने भी आर का डिफरेंस होगा वो आपके रेट और आर वाइज उसे तोड़ करके देख लेगा, इतने आर बढ़े उसके हिसाब से रेट बढ़ा सकता है, आर घटे तो उसके हिसाब से आपका रेट घटा सकता है। समझ आई बात? क्यों वापिस आ जाइए डिटेल पर, यहाँ से मैं कैलेंडर को वापिस से चेंज कर देता हूँ। अब आप वापिस आइए, देखो उसने कैलेंडर फिर से अपडेट कर दिया सेम, तो सेम रेशो में वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकता है। रिसोर्स बन गए, वापिस आइए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ पर, एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए, उसमें जो रिसोर्स असाइन करना है रिसोर्स टैब पर जाइए, ऐड रिसोर्स पर क्लिक करिए, S1, B के लिए S2, C के लिए S3, D के लिए S4, E के लिए S5, सारे रिसोर्स आपने ऐड किए, इंडिविजुअल एक्टिविटी का बजट और टोटल बजट आपके पास आ गया। अगर ऊपर बजटेड टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, कॉलम को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी तरीका सेम, राइट क्लिक करिए, कॉलम पे आइए, ये बजटेड टोटल कॉस्ट अगर नहीं है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और राइट साइड ऐड कर लेना है, वो आ जाएगा। सर्च का ऑप्शन नहीं है सर? आप जाइए फाइंड पे क्लिक करिए, यहाँ लिख सकते हो लेकिन स्पेलिंग शुड बी सेम, अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ वो फाइंड नहीं करेगा। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि इनको लिस्ट में चेंज करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आपको बस बजट पता होना चाहिए, तो आप स्क्रॉल करके डायरेक्टली बी पे आ जाओ, बी यू पे आ जाओ, देखो बजटेड के लिए सारी चीज़ें आ गई ना एक साथ, तो ये ज़्यादा आसान ऑप्शन है लिस्ट में जाने के लिए। ओके किया आपने, तो यहाँ आपका कैलेंडर की जैसे मुझे यहाँ नीड नहीं है, मैंने यहाँ से कैलेंडर हटा दिया और रिमेनिंग की मुझे यहाँ नीड नहीं है उसे हटा दिया, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा दी मैंने। यहाँ बजटेड टोटल कॉस्ट आ गया, अब हम आ जाते हैं बजटेड, अब आपका शेड्यूल कंप्लीट हो गया, आपका बजट कंप्लीट हो गया, अब हमें इसकी बेस लाइन बनानी है। बेस लाइन बनाने के लिए आप प्रोजेक्ट में जाएं, मेंटेन बेसलाइन पर क्लिक करें, यहाँ से ऐड करें, ओके कर दें, उसकी उसने एक बेसलाइन बना दी।
इस बेसलाइन का टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये बेसलाइन हमारी इनिशियल प्लानिंग बेसलाइन है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शनल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसे क्लोज किया, बेसलाइन बन गई लेकिन प्रोजेक्ट को असाइन नहीं की गई। असाइन करने के लिए प्रोजेक्ट में वापस जाइए, यहाँ असाइन बेसलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसलाइन ये है, इसको प्राइमरी पे असाइन कर दिया आपने, ओके किया, बेसलाइन असाइन हो गई, लेकिन गैंट चार्ट में दिखाई नहीं दे रही है, तो राइट क्लिक करिए, बार पे जाइए, यहाँ से प्राइमरी बेसलाइन का ऑप्शन आएगा, इसे डिस्प्ले पर टिक करिए, और यहाँ से उसकी शेप कितना थिक या कितना थिन उसे आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई करिए, ओके करिए, ये येल्लो टैब्स ऐड हो गए। ये येल्लो टैब बिल्कुल सेम साइज़ के होने चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि शेड्यूलिंग है। ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है कि अब आप एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, पहला दिन, दूसरा दिन, इस तरह 7 दिन का काम हो गया। आप 7वें दिन शाम को 6 बजे या 7 बजे, हमने प्रोजेक्ट का टाइम रखा है शाम में 7 बजे तक, आप शाम में 7 बजे साइट पे जाते हो, यानी कि 7 दिन का काम पूरा होने के बाद अब आप स्टेटस ले रहे हो। तो साइट से जो आपको रिपोर्ट मिली है कुछ, वो ये रिपोर्ट मिली है। साइट की रिपोर्ट की बात करें, अगर साइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ए 100% कंप्लीट हो गया, बी 100% कंप्लीट हो गया, सी 33.33 यानी कि 3 दिन का है, 1 दिन का काम पूरा हुआ, डी का 50% काम पूरा हुआ यानी कि 1 दिन का, तो साइट से डाटा आपको मिला है कि ये वाला काम कंप्लीट हुआ इतना। ये हाईलाइट नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं, मैं यहां से हल्का वाला कलर दीजिए सर, हो जाएगा। साइट से ये डाटा हमें मिला है, ठीक है, यहां तक का डाटा कंप्लीट हुआ है बस। तो ये जो हमारा काम कंप्लीट हुआ, मैंने मान लीजिए उस सब वर्क को ब्लू कर दिया, ब्लू कलर स्टैंडर्ड होता है जो प्राइमावेरा में भी वो कर देता है, ये काम अपडेट हुआ है साइट के अकॉर्डिंग। जितना एक्चुअल कंप्लीट हो जाता है उतना वो एक्टिविटी के कलर भी ब्लू कर देता है प्राइमावेरा में, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर कर दिया कि ये काम कंप्लीट हो गया। बट अगर हम बात करें आपके शेड्यूल की, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका 7 दिन में काम यहां तक का पूरा हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, तो यानी कि आप शेड्यूल से पीछे हो। तो जो काम आपका पूरा होना चाहिए था, यानी कि रिमेनिंग रह गया, सपोज मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, ये काम आपका होना चाहिए था इतना और, लेकिन ये नहीं हुआ, रिमेनिंग है ये, ना आपके शेड्यूल के हिसाब से ये होना ही नहीं चाहिए था, और कितना कॉस्ट खर्च हुआ साइट पे, ये डिटेल आपके पास यहाँ आ गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। आप ACWP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जितना वर्क परफॉर्म आप कर चुके साइट पे वहां से आपको एक्चुअल कॉस्ट मिली साइट की, वो आपने यहां लिख दी। ए में आपने इतना स्पेंड किया, बी में आपने इतना स्पेंड किया, सी में आपने इतना स्पेंड किया, डी में इतना किया, ई में इतना किया। नाउ BCWP होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जितना वर्क परफॉर्म्ड हुआ उसमें बजट कितना था आपका, वर्क परफॉर्म कितना हुआ, जितना ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। ए कंप्लीट हो गया तो यानी कि 600 रुपये, बी कंप्लीट हो गया यानी कि 1200 रुपये, सी 1 दिन का हुआ आपका बजट 1 दिन का सी का था 400 रुपये, डी 1 दिन का हुआ आपका बजट था 200 रुपये। तो आप चेक करो, देखो 600, 1200, 400, 200, ई शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल,
वर्क शेड्यूल के हिसाब से आपका काम यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए था, ये सारा काम। इसका मतलब है ए और बी तो ठीक है 600 और 1200 एज इट इज रहेगा, लेकिन बी का दो दिन का, सी का दो दिन का काम होना चाहिए था। सी का दो दिन का बजट बैठता है 400 रुपये डेली के हिसाब से, 800 रुपये। डी का दो दिन का बजट बैठता है यानी कि टोटल 400 रुपये। आप अगर नीचे आए तो सी का 800 रुपये, डी का 400 रुपये। ई शुरू ही नहीं हुआ, इससे आपको टोटल मिलता है 3000। कोई दिक्कत? अब ये वैल्यूज पहले हम स्टेटस अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हम चलते हैं प्राइमावेरा के ऊपर, ए एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, नीचे से स्टेटस पे क्लिक किया, ए एक्टिविटी आपने स्टार्ट की और फिनिश भी कर दी, लेकिन उसमें जो आपने बजट दिया है वो लेबर कॉस्ट के अंडर में दिया है। तो आप यहाँ से लेबर कॉस्ट को चेंज करो। एक्चुअल आपका बजटेड 600 था, बट एक्चुअली भी 600 ही है, इसलिए इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बी एक्टिविटी आपने 100% कंप्लीट की, आपका बजट 1200 था, बट अगर आप यहाँ चेक करें जो आपको साइट से डाटा मिला वहाँ आपने 1400 का स्पेंड किया है, तो आप यहाँ एक्चुअल में वो 1400 मेंशन करेंगे। हमने स्टार्ट किया, फिनिश किया, अब आपने इसको नम लॉक बंद है 1400 एंटर। सी एक्टिविटी 33.33 स्टार्ट तो हुआ। अब दो तरीके हैं स्टेटस अपडेट करने के, या तो परसेंटेज या फिर रिमेनिंग डेज। एक दिन का हुआ तो रिमेनिंग कितने दिन बचे? दो। तो या तो मैंने यहाँ रिमेनिंग डेज बता दिए, उसने परसेंटेज यहाँ अपने आप बता दी 33.33। स्पेंड कितना हुआ? 500 रुपीज। अब डी पे आ जाएं, डी स्टार्ट हुई लेकिन 50% कंप्लीट हुई है, 50%। तो आप ड्यूरेशन में जा कर के यहाँ 50% लिख दीजिए, तो यहाँ देखो रिमेनिंग अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो दोनों में से कहीं भी अपडेट कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल पे 200 आ रहा है, साइट पे भी 200 ही खर्च हुआ। आपने सारा साइट का डाटा यहाँ अपडेट कर दिया, लेकिन ये डाटा आपको किस डेट में मिला? 7th डे के एंड में। पहली तारीख से 7 तारीख तक आप काम कर रहे हो 7 दिन, यानी कि 7 नवंबर। 7 नवंबर का एंड कब होगा? शाम के 7 बजे। तो यहाँ आपको इसे शेड्यूल करना पड़ेगा 7 नवंबर शाम 7 बजे। तो मैंने F9 प्रेस किया, अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ जाके वो 7th डे का और शाम का टाइम, क्योंकि आपका वर्क जो कंप्लीट होगा वो शाम में 7 बजे कंप्लीट होगा ना, ये टाइम दिया। ये समझ में आया डेट और टाइम? शेड्यूल पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका एक्चुअल्स अपडेट हुआ है टोटल, ठीक। नाउ हमने 3 वैल्यूज निकाली, एक ACWP, एक BCWP, एक BCWS, ठीक है, एक एक्चुअल कॉस्ट, एक अर्न्ड वैल्यू कॉस्ट, एक प्लान्ड कॉस्ट, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। अब आप ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज पे क्लिक करो। एंटरप्राइज टैब में आपके पास ऑप्शन आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, उस प्रोजेक्ट में हमारे पास, आप प्रोजेक्ट से पीछे चल रहे हो प्लानिंग के हिसाब से, इसीलिए फिनिश डेट एक दिन आगे शिफ्ट हो गई, देखो 11 दिन। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो, देखो एक्चुअल कॉस्ट 2700 आ रही है। अगर आप अपनी एक्सेल फाइल देखो, एक्चुअल कॉस्ट आपकी 2700 थी, आपकी अर्न वैल्यू कॉस्ट कितनी आ रही है? 2400। अर्न वैल्यू कॉस्ट कितनी आ रही है? 2400। आपकी प्लान वैल्यू कॉस्ट कितनी आ रही है? 3000। यहाँ पर देखिए प्लान वैल्यू कॉस्ट 3000 आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ गई। अब कॉस्ट वेरिएंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, CV क्या होता है? CV इज इक्वल टू, मैंने बताया था, BCWP माइनस ACWP एंटर, तो माइनस 300 आ गया,
यही यहाँ कॉस्ट वेरियंस आ रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था शेड्यूल वेरियंस, शेड्यूल वेरियंस के लिए आपको मैंने बताया था BCWP माइनस BCWS एंटर, तो ये माइनस 600 आ गया, यही यहाँ आ रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि CPI यानी कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो जो CPI निकलता है वो CPI निकलता है BCWP डिवाइड बाय ACWP एंटर, और जो SPI निकलता है वो निकलता है BCWP अपॉन BCWS एंटर। तो 0.89 हो जाएगा राउंड ऑफ होकर, ये 0.8 है। आप वैल्यूज चेक करिए, CV कॉस्ट वेरियंस 300, ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब माइनस है, CPI 0.89 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया उसने। उसके बाद आपने देखा शेड्यूल वेरियंस माइनस 600 आ रहा है क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए माइनस है। SPI 0.8 आ रहा है वहाँ भी, तो वैल्यू आपकी एग्जैक्ट मैच कर रही है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशंस कर रहा है वो इस बिहाफ पर कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? अब अगर आप ये चीज रिपोर्ट करना चाहते हो, मेल करना चाहते हो आप अपने सीनियर को, आपको ये रिपोर्ट देना है, तो आपको एक रिपोर्ट फॉर्मेट चाहिए कोई, तो आप इस रिपोर्ट को PDF में कन्वर्ट करके अपने सीनियर्स को या अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप टूल्स में आइए, टूल्स में रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में अगेन रिपोर्ट्स का एक फोल्डर आएगा, उसमें रिपोर्ट ग्रुप हमें जाना है ओपन प्रोजेक्ट्स, ओपन प्रोजेक्ट्स में नीचे आइए एक्टिविटी अर्न वैल्यू, इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आएंगे, ये मॉडिफिकेशन आपको समझ नहीं पाएगा, ये प्रोग्राम बेस है, तो बेटर है आप इसको विजार्ड की हेल्प से मॉडिफाई कर लें। विजार्ड पे क्लिक करें, यस कर दें, यूज करंट स्क्रीन, नेक्स्ट, इसे एज इट इज नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, कॉलम पे क्लिक करिए, यहाँ देखिए वो एक्टिविटी आईडी बताएगा, एक्टिविटी नेम बताएगा, एक्टिविटी स्टेटस बताएगा। आपको उसके बाद ACWP की वैल्यू चाहिए, फिर BCWP की वैल्यू चाहिए, फिर BCWS चाहिए, बस उसके अलावा आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, हटा दीजिए, ठीक है। अब आपको चाहिए इसमें कॉस्ट वेरियंस और CPI, शेड्यूल वेरियंस और SPI, तो वही अवेलेबल ऑप्शन में आइए, यहाँ से लिस्ट ओपन कर लीजिए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा होगा, यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ से ढूंढिए कॉस्ट वेरियंस ऐड कर दीजिए, यहाँ से ढूंढिए कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ऐड कर दीजिए, यहाँ से नीचे आइए शेड्यूल वेरियंस ऐड कर दीजिए, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऐड कर दीजिए, अप्लाई करिए, ओके करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, इसको कोई भी नाम दे दीजिए अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, सैम अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट प्रीव्यू, ओके कर दीजिए, प्रीव्यू ओपन हो गया, बट सारी वैल्यूज यहाँ नहीं आ रही हैं। आप ऊपर पेज सेटअप पर जाइए, पेज सेटअप पे जाने के बाद सबसे पहले अपने पेज का साइज सेलेक्ट कर लीजिए, A3 या A4, जिस पे भी आप सेट करना चाहें। पेज को सेट करने के बाद आप यहाँ से एडजस्ट टू पे जाइए, या एक बार पहले पेज को अप्लाई करके वैल्यूज़ देख लीजिए, A3 पे आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई, 100% एडजस्ट हो गई। अभी और कुछ हमें काम करना नहीं है इस पे, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ से प्रिंट पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ओके कर दें, ये पूछेगा लोकेशन, डेस्कटॉप पे, सैम अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट, सेव कर दीजिए, रिपोर्ट प्रिंटेड, यानी कि ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई, क्लोज कर दीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट में सेव करना चाहते हैं, नेक्स्ट करिए, सेव रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, अब फिनिश कर दीजिए।
इस विंडो को भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब आप इसे मिनिमाइज करिए, अपने डेस्कटॉप पर जाइए, सैम अर्न वैल्यू रिपोर्ट, ये आपकी कंप्लीट रिपोर्ट आ गई। इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।